तो हेलो एवरीवन, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी हंटर 350 में एलईडी पार्किंग बल्ब। अभी जो बल्ब इसमें आया है ये है नॉर्मल हैलोजन बल्ब, तो अपन इसको आज करने वाले हैं चेंज। तो इसके लिए हमें ये जो आप स्क्रू देख पा रहे हैं ये और ये इस तरफ, ये दोनों नट जो हैं वो खोलने होंगे। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इन नटों को खोल लेंगे। तो ये हमारे जो स्क्रू है वो खुल चुके हैं। अब इस हेडलाइट को अपन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा और ये इस तरह से बाहर निकल आएगी। और ये आप देख पा रहे हैं ये है हमारा एलईडी पार्किंग बल्ब। इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे तो ये इस तरह से निकल आएगा। और फिर इस बल्ब को इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें आप कोई भी एलईडी लगा सकते हैं। बस इसमें ये जो होल है यहाँ पे एक बार आप लगा के देख लें, अगर एलईडी आपके अंदर जा रही है तो आप कोई भी एलईडी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें लगाने वाला हूँ ब्लॉपंग की W5W एलईडी बल्ब। इसको हम नॉर्मल इस तरह से लगा देंगे और एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं ऑन हो रही है या नहीं, क्योंकि कोई भी एलईडी हो उसमें प्लस माइनस का इशू रहता है, तो वो हमें एक बार घुमा के लगाएंगे तो ये जल जाएगी। तो बस इसको वापस इसी होल में हम इस तरह से पुश कर देंगे अच्छी तरीके से और ये फिट हो जाएगी। अब बस हमें जो हमारी हेडलाइट है इसको हम इस तरीके से क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा के और ये हम इस तरह से फिट कर देंगे। तो बाकी जो स्क्रू थे ये हमें जो कहते हों कस देने हैं। सो ये एलईडी पार्किंग बल्ब हमारा फिट हो चुका है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।